ट्रेंड में चल रहे शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 2.0 के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वही रिपोर्ट जिसे लगा था कि एक बार फिर वो भारतीय शेयर मार्केट को क्रैश कर देगी, डर और पैनिक फैलाकर शेयर मार्केट को गिरा देगी, जिससे लाखों लोग अपना शेयर बेच देंगे और हिंडनबर्ग की मोटी कमाई होगी। तो क्या ये साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हिंडनबर्ग का एजेंडा पर्दाफाश हो चुका है और यही वजह है कि आज हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हमारे शेयर मार्केट में कुछ खास असर नहीं पड़ा है, जो साफ करता है कि भारत और भारतीय इन्वेस्टर्स ने इस रिपोर्ट को पहले से ही नकार दिया है और उन्हें मोदी सरकार द्वारा लागू की गई बेहतर सुधारों पर पूरा विश्वास है। तो आइए इसके पीछे का असली एजेंडा जानते हैं। सबसे पहले कांग्रेस और उनके लीडर राहुल गांधी ने फिर से अपनी पुरानी चाल चली, अपने खतरनाक एजेंडे को पूरा करने के लिए फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लिया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी HAL और LIC समेत कई कंपनियों को निशाना बनाया था, लेकिन दोनों शेयरों ने अच्छा परफॉर्म किया। आज हमारा देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन रहा है, भारतीय अब भारत की ग्रोथ स्टोरी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे डीमैट अकाउंट की संख्या हो, चाहे भारतीय म्यूचुअल फंड हो या फिर इन्वेस्टर्स फोलियो हो, सभी ने उछाल आया है। लेकिन ऐसा लगता है कि बढ़ते शेयर मार्केट और जनता के मुनाफे को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट और इसे प्रमोट करने वाले आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट वही करना चाहती थी जिससे उनका खुद का मुनाफा हो, खुद का फायदा हो? ऐसे में सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाने वाले कांग्रेस से सवाल पूछना तो बनता है बॉस, जिनके खुद के नेता शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर हर साल मुनाफा कमा रहे हैं। लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन कुछ नाम देख लीजिए। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम ने भारतीय शेयर मार्केट से खूब पैसा कमाया है और LOP राहुल गांधी का तो हिसाब ही नहीं, जिनका पूरा चार्ट देखिए, 10 गुना मुनाफा सिर्फ शेयर मार्केट से और वो भी 5 महीने में। मतलब इनको खुद भारतीय शेयर मार्केट पर भरोसा है, खुद मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये आम जनता को गुमराह करके उनका नुकसान कराना चाहते हैं। तो अब आपको समझ आया इनका असली एजेंडा? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।